एक एक करके एक एक करके एक एक करके डालो डालो आपका पूरा आशीर्वाद है। चल दे रहा है पीछे से इधर 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 खड़े हो जाओ सर मुंह पे देखते हैं एक मिनट जी हाय देखिए हाले एक मिनट रुको एक मिनट जयंती चोपड़ा जी पहुंचे हैं, हमने इनका स्वागत किया है, एक एक वोट इनकी जोड़ी में डाली है जी हमने। आज जो नरवाना के बस स्टैंड के लगते हमारे बादी समाज का जो कॉलोनी है इसके अंदर श्रीमान बुजुर्ग अजमेर जी ने, काला जी ने, धनपत जी ने, इन लोगों ने, राजपाल जी ने बुलाकर जो मिर्दा साहब का, मेरा, वेद जी का, जो इन्होंने सभी लोगों का, हमारे साथियों का स्वागत किया है और इन्होंने आश्वासन दवाया है कि चेयरपर्सन के पद के लिए जो हमारी पुत्र वधु मुकेश रानी खड़ी है उसका समर्थन एक एक वोट देकर करेंगे और हम अपनी जान तक लड़ा देंगे। तो इस बाती समाज का हमारे लक्ष्मण मिर्दा जी की तरफ से, मेरी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और हम इनको आश्वासन दिलवाते हैं पुत्रवती को जब चेयरमैन के पद पर बैठ जाएगी। वो विशाल मिर्धा युवा साथी तुम्हारे बीच में एक फोन से एक मिनट के लिए हाजिर हो जाएगा, कोई आपका छोटा बड़ा काम हुआ तो वो पीछे नहीं हटेगा, आपको बिना मतलब कोई किसी प्रकार का प्रशासन कोई अन्य आपको तंग नहीं कर सकेगा किसी प्रकार से। सच्चाई इस बात का आप चिंतित मत रहना, चाहे कोई डिपार्टमेंट हो चाहे कोई अन्य हो, आप सच्चाई के साथ देशभक्ति से रहिए, आपको तंग करने वाले को हम स्वयं देख लेंगे, ऐसा कोई आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। अब एक एक वोट देकर मुकेश मिर्दा को जो आपने आश्वासन दिया है 19 तारीख को घड़ी के निशान पे मोर लगाकर और डब्बे भर दो और भगवान तुम्हारे डब्बे भर देगा, कोई चिंता की। सत्ती बरादरी की पंचायती उम्मीदवार मुकेश रानी जिंदाबाद, लक्ष्मण मिर्दा जिंदाबाद, विशाल मिर्दा जिंदाबाद, सच्चे आदमी जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। आज वार्ड नंबर 5 के लोगों ने, सभी बादी समाज ने, जो लक्ष्मण मिर्दा जी है जिनकी पुत्र वधु चेयरपर्सन के लिए दावेदारी ठोक रही है नरवाना में, तो आज यहां पर लड्डुओं से तोलने के लिए जो लक्ष्मण मिर्दा जी है उनको बुलाया गया है, बड़ा मान सम्मान बादी समाज की तरफ से, और आश्वासन दिया गया है कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपकी जो जीत है वो भी निश्चित करेंगे। तो अब देख सकते हैं यहाँ पर
किस प्रकार से जो लोग हैं पूरा सहयोग कर रहे हैं। अभी हम बात करना चाहेंगे जो यहाँ पर लक्ष्मण मिर्धा जी हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। हाँ जी प्रधान जी आ जाओ। प्रधान जी नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। जितना हजूम आपको, जितना समर्थन आपको, जन सैलाब आपको हर जगह पर मिल रहा है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आज बादी समाज ने भी आपको पूरा समर्थन दिया है और पूरा विश्वास भी दिलाया है, तो क्या कहना चाहोगे बादी समाज के बारे में, वार्ड नंबर 5 के लोगों के बारे में, जिन्होंने मिलकर सभी ने आज आपको लड्डू में तोलने का जो फैसला लिया है? बादी समाज ने जो यहाँ बुला करके जो इज्जत दी है, जो मुझे मान सम्मान दिया है, इसके लिए मैं पूरे बादी समाज का आभारी हूँ, ऋणी हूँ। और एक विश्वास दिलाता हूँ बादी समाज को, बादी समाज को कहीं भी मेरी या मेरे बेटे की जरूरत होगी, इनकी एक कॉल के ऊपर 5 मिनट में हम इनके पास हाजिर हो जाएंगे। वाह क्या बात है जी। लक्ष्मण मिर्धा जिंदाबाद, जिंदाबाद। बटन कहाँ दबाओगे? अच्छा ये जो इतना हजूम, इतना लोगों का साथ, क्या आपको लगा, क्या लग रहा है? 22 तारीख का इंतजार करोगे क्या? ऐसे है जी, ये मैं कहूंगा तो अपने मुंह से अच्छा नहीं लगेगा, ये सबसे पूछ लो। ठीक है, हाँ हाँ, यही बता देंगे, इनसे पूछो आप क्या। हाँ जी नमस्कार जी। हाँ जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जुबेर। बादी समाज से? हाँ, बादी। तो आप सभी ने इनको लड्डू में तोलने का फैसला लिया है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको इनकी जीत को लेकर, क्या कहना चाहोगे? इसको जिता के हटेंगे जी, हम बादी समाज हम जिता के हटेंगे, वोट भी है, सपोर्ट भी है। अच्छा ये कहते हैं जी बादी समाज जिसके पीछे लग जाता है जीत होती है जी, क्या बात है जी, जीत है जिता के हटेंगे जी। अच्छा अच्छा, तो आज लड्डू में तोलने का फैसला लिया है? आज लड्डू में तोलने का फैसला लिया है। ठीक है, और भी लोगों से बात करना चाहूंगा जो यहाँ वार्ड नंबर 5 के कोई लोग हैं अभी। लक्ष्मण मिर्धा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? बादी समाज देखो मेरी बात सुनो, ये गरीब बेचारा समाज है, इन्होंने अपने खून पसीने की गाड़ी कमाई से इतना खर्चा कर रहे हैं, ये लड्डू में तोल रहे हैं, मैं इनका कैसे ऋण उतारूंगा, मैं समझ नहीं पा रहा इनका प्यार का बदला कैसे चुका। ऋण उतर जाएगा जी, आप एक बार कुर्सी पर बैठ जाइए। हाँ मैं कोशिश करूंगा मैं इनके लिए कुछ कर पाऊं। कोशिश आया हो गया जी, जो कुर्सी मिल गई मारा आया हो गया। मेहरबानी जी, क्या बात है, मारा सब कुछ आया हो गया, आपको कुर्सी मिल गई। ये देख सकते हैं भाई, यहाँ पर मैं कैमरा मैन को कहूंगा कि कैमरा घुमा कर दिखाए, जो बादी समाज ने इतना प्यार और समर्थन दिया है, सकते हैं यहाँ पर इस चीज को देख कर यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाली 22 तारीख का लोगों इंतजार नहीं करना पड़ेगा, पहले ही मोहर लगा देंगे जहाँ पर लगानी है। आप देख सकते हैं एनजी न्यूज की खास रिपोर्ट। और भी जो वार्ड नंबर 5 के कोई लोग हैं तो आगे आइए सर, मैं बातचीत करना चाहता हूँ। हाँ जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हम मिर्धा साहब के साथ हैं। हाँ जी, हाँ जी नमस्कार जी, मिर्धा साहब के साथ हैं, वोट भी सपोर्ट भी हम साथ में है जी, वोट इनके जोड़ी में डाल दिए जी हमने। अच्छा जी, हाँ जी, हाँ पूरा बादी समाज है जी, हम इनके साथ में। हाँ ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आना चाहता है व्यक्ति को मौका दोगे चेयरपर्सन के लिए? चेयरपर्सन के लिए नया ईमानदार बंदा चाहिए हमें, जो विशाल मिर्धा जी है। विशाल मिर्धा जी? हाँ जी। पहले परखे आपने? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैसे व्यक्ति है? बढ़िया व्यक्ति है जी, ईमानदार व्यक्ति। क्या लगता है इनको जो चुनाव में उतरे है और माहौल भी देख लिया, क्या लगता है आपको माहौल? बढ़िया माहौल, बहुत बढ़िया माहौल है जी, सब जगह से प्यार मिल रहा है। फाइट करेंगे या नहीं? फाइट करेंगे या नहीं? फाइनल है, फाइनल है, फाइनल है जी, कंप्लीट कर दिया, कंप्लीट कर दिया। क्या बात है भाई, ताड़ी बजाओ। क्या बात है, क्या बात है। वाजी 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 चंडी